अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाभी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, घर के बाजू के अगल बगल में हमारे साथियाँ रहते, भाई रहते, मुसलमान भाई रहते। एक किसी बहाने चाय पीने या वगैरह रोड पे गुजरता रहता, कोई एक एक मामूली सा झगड़ा हो जाता, किससे की गैर भाई से झगड़ा हो जाता। वो गैर भाई दस रहे थे, ये एक रहता, तो कौन के अक्सर गुजरने वाला वो लड़ाई में चले आता, तो ये दोनों को या एक को जेल में डाल देते। तुम ऐसा कुछ गलाटा करे कैस्टिज्म का तो तुम्हें अंदर डालते बोल के जेल हो जाती उसको। तो एक उसके घर के बाजू का वाला, समझ रहे हो ना मेरा क्वेश्चन, घर के बाजू का बहुत अमीर रहता। अमीर रहने के बाद उन्हें खैर खाना सरखा जो भी है, तो ये गाँव छोड़ के दूसरे को 50-60 किलोमीटर दूर पे जाके 50,000-60,000 उसका जो भी जकात का पैसा बनता, ₹1,00,000 उधर उधर जाके बांट के आता। तो उसका दोस्त देखता रहता, तो उसको बोलता, अरे परसों हमारे बगल के तुम्हारे घर के बगल वाले को उसको जेल में डाले, वो कुछ लड़ी में गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की लड़ी थी, उसको अंदर ताल दिए, अंदर है, जितना पैसा तू बाहर खैर सरखा दे रहा, कुरान हदीस से साबित है, वो जेल में उसका बेल कराना बेगुनाह का मालूम है ना, तेरे को ऐसा क्यों नहीं करता बोल के पूछी स्टेप पे। वो मेरे को बोलता, अरे तेरे को नहीं मालूम रे भाई, मेरे घर के बाजू के मेरे से गरीब है, लेकिन मेरे सामने अकड़ भाता था, मेरे कुछ नहीं माता। हालांकि वो बहुत अच्छा रहता, इसलिए तो दीन की लड़ी में गया ना। गैर भाया एकले को मार रहे हैं तो 10 लोग मिलके, तो 1 लाख जाके उसको छुड़ाने की कोशिश, अच्छा ही नहीं तो क्या है भाई साहब। जो तुम्हें माली मदद करो बोल के तो आपको बोले बाद भी, आपको अल्लाह आपको नवाजने के बाद भी आप उसको माली मदद नहीं करते, तो कहाँ तक अच्छा है बोलो। वो भी दिन के खातिर गया ना भाई साहब, लाना ना उसको जेल से, हमारा काम है ना, हमारा नवाजा बोले तो अल्लाह से जेल से छुड़ाना भी साबित है ना कुरान हदीस से। तो आपकी क्या राय है भाई साहब इसके बारे में? आपको क्वेश्चन जरा ऐसा करना, सवाल ऐसा करना चाहिए जी, कि अगर जैसे कहीं आदमी फंस जाता है मुसलमान जी, भाई जी, जी, जी। बेगुनाह जेल में चले जाता जी, जी, है जी 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 बेशक, तो सही उसको कैसे छुड़ाना चाहिए? जी जी सही है, कैसे छुड़ाना चाहिए? मोटे होते ना मेरे बात, कैसे छुड़ाना चाहिए? जी जी सही, ये है मेरा क्वेश्चन जी, कैसे छुड़ाना चाहिए उसको, जैसे एक मुसलमान है बेगुनाह है, कुछ नहीं बेचारा जी जी जी, गलत केस में फंस गया जी जी जी, गलत काम में फंसा दिया जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ले जाकर के जेल में रख दिया। सही समझे आप मेरा क्वेश्चन, तो उसको छुड़ाने का क्या आइडिया होना चाहिए? जी 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 जी, कैसे छुड़ाना? अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ो सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़अ अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته, رواه البخاري ومسلم। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी है सही बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। المسلم اخو المسلم जी, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, बेशक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है जी, हां ना उस पर जुल्म करता है, ना उस पर जुल्म करता है और ना जालिमों के सुपुर्द करता है जी, हवाले करता है जी, है ना। और जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरा करने में लगे रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरा करता रहता है, उसकी जरूरत पूरा करता रहता है। ये सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत हदीस सही है जी। अभी हदीस के अंदर क्या कहा गया है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। कुरान में भी कहा गया इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई। अब मान लो एक भाई हमारा है मुसलमान है, बेगुनाह उसको जेल डाल दिया गया जी, बेगुनाह उसको फंसा दिया गया जी, तो उसकी छुड़ाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है, खाली एक आदमी नहीं जी जी जी, सब पूरे कौम की जिम्मेदारी बनती है कि हमें कोशिश करके, पहले तो हम दुआ करें उसके लिए जी, अल्लाह उसके लिए रिहाई कर दे, आमीन आमीन इंशाल्लाह, जल्द से जल्द पहले दुआ, क्योंकि मोमिन का जो हथियार होता है दुआ के जी, और दुआ का जो सहारा लेंगे अल्लाह की मदद आएगी, तो फिर कौन भी मदद करना करे, अल्लाह की मदद आ गई तो मिनटों में आ सकता है जी, बाहर आ सकता है, क्योंकि वो साबित हो सकता है, बेगुनाह भी साबित हो सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो जी, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें अल्लाह पे भरोसा करना, दूसरे क्या दुआ करना उसके लिए जी, जो भी बेगुनाह मतलब फंस जाते हैं या फंसाए जाते हैं उनको, उनके लिए दुआ करना चाहिए जी, और जो लोग फंस जाते हैं या फंसाए जाते हैं उनको थोड़ा सब्र भी करना चाहिए जी, है ना, उनको सब्र करना चाहिए, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम है, एक इम्तिहान है हमारा वाला जी। हम अगर मोमिन कह दे ईमान जबान से कह दे मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता, नहीं नहीं सिर्फ जबान से कहने से काम नहीं बनेगा जी, आजमाया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा, तो हो सकता है एक आजमाइश भी हो, ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह आजमाता हो जी, है ना अपने बंदे को, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन छुड़ाने की जहाँ की बात है, कोशिश करना चाहिए,
जैसे पड़ोसी हमारा एक मालदार आदमी है, अब जब बातचीत हो ना हो जी, मुसलमान मुसलमान ही होता, मुसलमान एक दूसरे भाई का जी, अब जब दोनों भाई हैं तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना जी। अब एक दूसरे की मदद करेंगे तो अल्लाह क्या हमारी मदद नहीं करेगा? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर ज़रूर करेगा। और पहली बात तो हमें बातचीत में नरमी अख्तियार करना चाहिए जी, बहुत कड़क मिजाज नहीं रखना चाहिए जी। अब मैं ही कड़क मिजाज वाला हूँ, मान लो किसी से जरा कड़क नहीं बोलते तो हमारे से बात करेगा वो? नहीं 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 बात करेगा। तो हमें चाहिए कि जो मुसलमान, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इस ज़ालिमों के हवाले मत करो अपने मुसलमान भाई को, मुसलमान भाई ज़ालिमों के हवाले नहीं करता। अकबर, जो बेगुनाह जिनको फंसाया जा रहा है वो क्या है? मजलूम हैं, जो फंसा रहे हैं वो ज़ालिम हैं, अगरचे मुसलमान ही क्यों ना हो जी। अब बहुत सारे मुसलमान मुसलमान को फंसा रहे हैं जी, केस में बेगुनाह है बेचारा, सुले जाके केस ठोक करके फंसा देते हैं जी, क्यों? पैसे के बल पे जी, रुपए के बल पे जी। और दूसरे जो पॉलिटिक्स लोग रहते हैं उनके प्रेशर करके ऐसा करके वो फंसा देते हैं जी जी। तो हालांकि जो है मुसलमान का काम क्या है, वो ज़ालिमों को सुपुर्द नहीं करता है, उसको ज़ल्ला या ज़ुलू के हदीस में क्या अल्फाज कहे गए हैं, उसको जलील भी नहीं करता है, मुसलमान मुसलमान को जलील नहीं करता। तो अगर जलील करता तो समझो वो जुल्म कर रहा है हैसियत से, मुसलमान को जलील नहीं करना चाहिए। कौन सा भी है कैसा भी है, गलतियाँ सबसे होती हैं जी, हर कोई गुनाहगार है ना जी, लेकिन वो इंसान गुनाहगार नहीं, अभी उसको जेल में नाहक डाला गया है जी, तो उसकी बेगुनाही है, अब वो मजलूम है जी। अगर खुदा ना खास्ता वो बद्दुआ कर दिया तो जी क्या होता, वो मजलूम जो बद्दुआ करेगा तो अल्लाह उसके दरमियान कोई आड़ा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, वो मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। अब कहीं उसी वक्त कबूलियत का वक्त हो, अल्लाह ताला कबूल कर ले तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए नाहक किसी को सताना, नाहक किसी को जलील करना नहीं चाहिए, चाहे मुसलमान कौन सा भी हो जी, जी। किसी भी धर्म का मानने वाला हो जी, जी, जी। मुसलमान ही नहीं, पूरे धार्मिक की बात कर तो पूरे लोगों की बात कर रहा हूँ जी, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कौन से भी लोग हैं, किसी भी धर्म के माने भाई उन पर जुल्म करना हराम है जी, जी। किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, किसी को गलत केस में नहीं फंसाना चाहिए, बेगुनाह किसी केस में जेल में नहीं डरवाना चाहिए, और अगर गुनहगार है वो जालिम आदमी है तो उसको रोकना चाहिए सबको जी, जी जी। क्योंकि जालिम जो होता है हमेशा जुल्म करता है। नायब साहब मेरा आप एक क्वेश्चन क्या बोले तो, जैसा खैर खैर सदका पैसा निकल रहा, लाख रुपये हो रहा, 2 लाख रुपये हो रहा, हम हमारे पड़ोसी को छुड़ाने जैसा दूसरे गांव में जाके बांट के आ रहे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ये क्या तक करेक्ट है? अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया जी, जो अपने भाई की ज़रूरत पूरा करता है, अब ज़रूरत पूरा करने में भी आता है। अब वो बोल रहा मेरे को सलाम नहीं करता, मैं उसको कहूँ छोड़ूँ बोल के पूछ रहा, भले नहीं सलाम करता, कुछ भी सलाम करे ना करे, बहरहाल मुसलमान ना हो जी जी जी, बेशक था वो हमारा भाई है ना जी जी, सही है, ये मुसलमान हो गैर मुसलमान कौन से भी हो जी जी, हमारा भाई ही है जी जी, बात करो या ना करो, खून बात करो ना करो जी, गैर मुस्लिम हमारा है जी जी जी, गैर मुस्लिम ही आदमी उसको बेगुनाह जेल में डाला जाता है, तो हमारा हक बनता है उसको छोड़ा है। माशाल्लाह, इस्लामी तालीम देता है मुस्लिम एकता, माशाल्लाह जी जी। किसी को हम जो है धार्मिक हिसाब से या किसी भी धर्म जोड़ने की बात कर, तोड़ने की बात नहीं करता जी जी जी, इसलिए हमें क्या करना, जुड़ के रहना आपस में जी जी। और जो जालिम है उनके हाथ को पकड़ना, जालिम का हाथ कैसे पकड़ेंगे, उनको जुल्म से हम रोकेंगे करने के लिए जी जी जी, पूरे इकट्ठा हो जाएंगे जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि बेगुनाह कोई भी हो, चाहे गैर मुस्लिम मुसलमान हो, तो सबका साथ देना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, अपना बाकायदा जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत पड़े पैसा भी खर्च करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा करेंगे जी तो एक अमन शांति फैलेगा जी, लोगों के दरमियान जी जी, ये गलत फहमियाँ दूर होंगी जी, आपस में लोग भाई भाई बन कर मिलजुल करके रहेंगे जी जी, है ना जी। तो अगर ऐसा हो जाता, कभी हो बाई चांस, कभी अल्लाह ना करे, कभी कोई भी गैर मुस्लिम भाई भी अगर जेल में जाता है बेगुनाह, तो उसको भी छुड़ाना चाहिए, है ना, सिर्फ मुसलमानों को नहीं जी, पूरे लोगों के, जो भी बेगुनाह आदमी है जी, किसी भी धर्म का मानने वाला है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, तो उसको हमें चाहिए कि हम मदद करें इंशाल्लाह, मदद करें उसकी, और कभी भी उसको बियारो मदद करना छोड़ें जी इंशाल्लाह, उसको हाथ उसके ऊपर रखें जी, अपना पैसा खर्च करें, अपनी मेहनत लगाएं, अपनी कोशिश करें जी जी। तो हमें जो है कभी भी जालिम का नहीं साथ देना चाहिए, मजलूमों का साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन जी, शुक्रिया।